अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक पर सरगर्म मशहूर सोशल मीडिया स्टार दिन दहाड़े कत्ल। भारतीय सोशल मीडिया स्टार और जेम ट्रेस को दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के इलाके नजफगढ़ के रहायशी 27 साला जेम ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार मोहित मूर को तीन नामालूम अफराद ने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। मोहित मूर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा सरगर्म था और टिकटॉक पर इसके 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। पुलिस के मुताबिक कत्ल के रोज़ मोहित फोटोकॉपी की दुकान पर बैठा हुआ था जब फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया गया। मोहित को 7 गोलियां मारी गईं और वो मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस कत्ल के पीछे का मकसद तलाश कर रही है, जबकि इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इस कत्ल के पीछे किसी गैंग का हाथ तो नहीं। इसके अलावा मोहित के इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट्स पर मौजूद तमाम कमेंट्स और फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है, जिससे मालूम हो सकेगा कि कहीं इसकी सोशल मीडिया पर किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। एक पुलिस वाले ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मोहित के गैंग वार ग्रोह के साथ राब्ते के हवाले सभी तफ्तीश की जा रही है, जबकि डिप्टी पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मोहित का अभी तक किसी गैंग के साथ कोई राब्ता सामने नहीं आया और ना ही मोहित के खिलाफ कोई मुजरिमाना मुकदमात हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मोहित को कत्ल करने वाले 3 में से 2 अफराद ने हेलमेट पहन रखे थे, जबकि तीसरे शख्स का चेहरा ढका हुआ नहीं था। पुलिस ने तीनों नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।